नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आए हैं आपके बीच। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि आपको हम अच्छी से अच्छी रेसिपी दिखा सकें, आप बना सकें और खाएं और स्वस्थ रहें। इस बार हम एक बहुत ही साधारण, बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट और हर घर में बनने वाली रेसिपी लेके आए हैं, जो आप चावल के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी खाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और यह है आलू और टमाटर की सब्जी। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये उबला आलू है, दो मीडियम आलू है और इसे उबाल के हमने पीसेज में काट दिया है। और ये टमाटर है, टमाटर को हमने कद्दूकस कर दिया है, दो टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। ये हरा धनिया हमने से बारीक कर लिया है। और ये प्याज, कच्ची प्याज है, दो मीडियम साइज़ की कच्ची प्याज है ये। और दो हरी मिर्च हमने रखा है। ये जीरा, थोड़ा सा जीरा है। और ये कसूरी मेथी, ये भी हम यूज़ करेंगे। और ये कद्दूकस किया हुआ लहसुन है और ये कद्दूकस किया हुआ अदरक है, ये हम इसमें डालेंगे। और इसके बाद हम तेल यूज़ करेंगे इसको फ्राई करने के लिए। हम लाल मिर्च यूज़ करेंगे इसमें। और इसके बाद ये है गरम मसाला, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च यूज़ करेंगे। और फिर ये हल्दी यूज़ करेंगे हम, हल्दी। और हल्दी के बाद फिर ये स्वाद अनुसार नमक। पैन गरम कर लिया है धीमी आंच पे। अब हम इसमें तेल डालेंगे दो चम्मच फ्राई करने के लिए। और इसके बाद फिर हम इसमें जीरा डालेंगे। देर तक फ्राई कर लें। जीरा फ्राई होने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। और फिर कच्ची प्याज डालेंगे, मीडियम साइज की दो कच्ची प्याज है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, प्याज का कलर जब तक गोल्डन ना हो। प्याज गोल्डन कलर की हो गई है। और अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक और कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालेंगे। और इसको भी इनके साथ फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर तक। हमने फ्राई कर लिया है लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्च। और इसके बाद अब हम इसमें उबला हुआ आलू डालेंगे, मीडियम साइज़ के दो उबले आलू। मीडियम आंच पे हमने आलू को थोड़ी देर तक फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ टमाटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लें। तेज आंच पे हमने आलू को थोड़ी देर तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं टमाटर का कलर आ गया है आलू पे। और अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, एक चम्मच गरम मसाला। स्वाद अनुसार नमक। ज़रा सी हल्दी, लगभग आधा चम्मच। और एक चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च से सब्जी थोड़ी तीखी हो जाएगी। और इसे अच्छी तरह मिला लें। इसे दो मिनट तक धीमी आंच पे फ्राई कर लिया है और इससे मसाला तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, ग्रेवी के हिसाब से आप गर्म पानी डाल सकते हैं। हमने एक कप गर्म पानी लिया है, आपको कम ग्रेवी चाहिए आप कम डालिए। आप अच्छे से मिला लें पानी को और फिर इसके बाद हम इसे ढक देंगे दो से तीन मिनट के लिए। इसे दो से तीन मिनट तक धीमी आंच पे पकाया है। और अब इसे हटा के इसके आलू को आप मैश कर लीजिए, ताकि ये थोड़ा ग्रेवी में मिल जाए और इससे ग्रेवी थिक भी हो जाएगा और उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। आलू को मैश कर लें, आराम से मैश हो जाएगा, उबला आलू है। मैश करके इसे ग्रेवी में मिला लें। हमने इसे दो मिनट तक और पकाया है
मैश करने के बाद अब सब्जी हमारी बन के तैयार है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। इस सब्जी को हमने बाउल में निकाल लिया है, सब्जी हमारी बन के तैयार है। अब इसके ऊपर हम कसूरी मेथी डालेंगे, लगभग एक चम्मच कसूरी मेथी है। और इसके बाद हम इस पर बारीक हरी धनिया डालेंगे।